नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आए किशोरी के परिजनों से मिले राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, हर मदद का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय का राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया निरीक्षण, रैन बसेरे सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पदाधिकारी की पत्नी का भी जाना हाल। बागपत के NS-709B पर चल रहे किसानों के धरने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लाठीचार्ज कर धरने को कराया समाप्त, कई बुजुर्ग किसान हुए घायल। मुजफ्फरनगर के चरथावल में भाकू के धरने प्रदर्शन को लेकर पुलिस मुस्तैद, थाने को किया गया पूरी तरह सील, थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड के देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आजाद अली ने राज्य सरकार पर बोला हमला, सरकार को बताया गुंडों की सरकार। विधायक अभय चौटाला ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, किसान आंदोलन के समर्थन में दिया इस्तीफा, चंडीगढ़ विधानसभा स्पीकर को दिया इस्तीफा। मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद, थाने के बाहर भारी पुलिस फोर्स किया गया तैनात। मुजफ्फरनगर में लाला लाजपत राय जयंती पर प्रकाश चौक पर प्रतिमा का किया गया माल्यार्पण, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर मुजफ्फरनगर के तिताई में भी पुलिस प्रशासन हुआ पूरी तरह मुस्तैद, भारी पुलिस फोर्स हुआ तैनात। मुजफ्फरनगर के सिकेड़ा पुलिस ने कसी किसान आंदोलन को लेकर कमर, थाने पर भारी पुलिस फोर्स के साथ थाना अध्यक्ष तैनात। बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किसानों के आंदोलन को लेकर शामली में भी पुलिस हुई अलर्ट, हर थाने पर पुलिस फोर्स तैनात, SP शामली भी कर रहे भ्रमण। मुजफ्फरनगर के जानसर थाने पर भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को लेकर पुलिस मुस्तैद, थाने के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार त्यागी ने किसान आंदोलन को लेकर पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, भारी पुलिस फोर्स हुआ तैनात। 31 जनवरी तक लाल किले को आम जनता के लिए किया गया बंद, केंद्र की ओर से जारी किया गया आदेश। बुलंदशहर में गद्दों के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से बची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू, कोतवाली क्षेत्र के साठा इलाके का मामला। मुंबई के भिवंडी स्थित कंपनी में लगी भीषण आग, दो मंजिल तक फैली आग, आग पर दमकल ने पाया काबू। गाजियाबाद में छाया घना कोहरा, हाईवे पर वाहनों की गति हुई धीमी, दिन में लाइटों के सहारे देखने को मजबूर हुए वाहन। शहर में घने कोहरे के चलते हुआ हादसा, रोडवेज बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल, पुलिस मौके पर। देश में कोरोना के 11,666 नए मामले आए सामने, 123 लोगों की हुई मौत। वायनाड में बोले राहुल गांधी, दो तीन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे पीएम। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ेगी आप। यूपी का भगोड़े IPS मणिलाल पाटीदार पर इनाम की बढ़ाई गई राशि, 1,00,000 का किया गया इनाम। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की विशेष बैठक का हुआ आयोजन, संदीप कुमार को बनाया गया नगर कमेटी का सचिव। लाल किले में ही तोड़फोड़ की रिपोर्ट ASI ने संस्कृति मंत्रालय को सौंपी, दी गई नुकसान की जानकारी।